खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशन। ग्लोबल एज अ कंपनी, इट हैज नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन इट्स सर्विस क्वालिटी एंड कमिटमेंट। बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का गुरुवार देर रात 1:52 पर दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। सांस लेने में शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुछ दिन पहले ही उनका कोरोना टेस्ट भी कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। सरोज खान को शुक्रवार सुबह मल्लार के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। सरोज खान जी को मदर ऑफ डांस कोरियोग्राफी इन इंडिया कहा जाता था, है, रहेगा। उन्होंने तकरीबन 2000 से भी ज्यादा गानों की कोरियोग्राफी की है। 1974 में कोरियोग्राफी का पहला चांस फिल्म गीता मेरा नाम से मिला था, पर ख्याति नहीं मिली। इंतजार किया और फिर श्रीदेवी के साथ फिल्म मिस्टर इंडिया के लिए हवा हवाई, फिर नगीना और चांदनी जैसी फिल्मों की कोरियोग्राफी की और फिर सरोज खान जी को मिली माधुरी दीक्षित का साथ। 1-2-3 फिल्म तेजाब के लिए कितना मशहूर हुआ, तम्मा तम्मा लोगे फिल्म थानेदार के लिए, धक धक करना फिल्म बेटा, इसके बाद तो सरोज खान जी मोस्ट सक्सेसफुल कोरियोग्राफर बन गई। सरोज खान जी कई टेलीविजन शो पर बतौर जज के तौर पर भी नजर आई थी। नच बलिए, भुगी भुगी, झलक दिखला दे जैसे सुप्रसिद्ध शो थे ये। सरोज खान जी को 3 बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था, 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। 2002 में अमेरिकन कोरियोग्राफर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। नंदी अवार्ड्स और कलाकार अवार्ड्स भी सरोज खान को मिला था। उनके जाने का गम आज हम सभी को है। कंपोजर निर्देशक दुष्यंत सिंह, कॉमेडियन सुनील पाल, श्रीलंका की मशहूर डांसर प्रसादी राणा सिंघे ने भी श्रीलंका से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। खबर 24 की ओर से भी सरोज खान जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आज एक बार फिर हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत दुख का विषय है। नृत्य निर्देशकों को एक नया आयाम देने वाली, एक स्टारडम जैसी पहचान देने वाली शख्सियत, मैं कहूँगा साक्षात माँ शारदा की पुत्री सरोज खान जी हमारे बीच में नहीं रही। सरोज जी ने सुभाष घई साहब के समय में इतने बड़े बड़े स्टार्स के रहते हुए जो डांस कोरियोग्राफर्स की दुनिया में एक स्टारडम को पैदा किया, उसके लिए इंडस्ट्री उन्हें हमेशा याद रखेगी। बड़े बड़े स्टार्स उनकी उंगलियों पे 1-2-3-4 करते रहे और मुझे लगता है सरोज जी अभी आपको नहीं जाना चाहिए था, अभी तो बहुत सारी 1-2-3-4 बाकी थी। बट वी लव यू, वी ऑलवेज मिस यू। आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए, हम आपको हमेशा याद करेंगे। आज सारी इंडस्ट्री आपको याद कर रही है, सारा हिंदुस्तान आपको याद कर रहा है, बल्कि मैं कहूँगा सारे विश्व के जो नृत्य और संगीत के प्रेमी हैं वो आपको याद कर रहे हैं सरोज जी। तो आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए, बस मेरी इतनी सी श्रद्धांजलि। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रसाद रणसिंह, आई एम अ श्रीलंकन डांस कोरियोग्राफर। टुडे इज अ वेरी वेरी सैड डे टू ऑल ऑफ अस। बॉलीवुड डांस दीवा, अ मदर ऑफ डांस, सरोज खान हैज पास्ड ऑन। हर फेशियल एक्सप्रेशंस इन डांस वर प्योर आर्ट एंड ग्रेस। माय डीपेस्ट कंडोलेंसेस गोज टू हर फैमिली एंड फ्रेंड्स। रेस्ट इन पीस मदर ऑफ डांस, यू विल बी सॉरी मिस्ड। Her choreography and dance steps will forever be used and stamped in our history as they are immortal. दोस्तों, आज 3 जुलाई एक बहुत ही मनहूस खबर पूरी दुनिया के लिए और खासकर फिल्मी दुनिया के लिए कि डांस की गुरु माँ, डांस मास्टर, मास्टर जी, मतलब क्या क्या तमगा उन्हें हिंदुस्तान से पूरी दुनिया से मिला है। सरोज खान जी अपने 71वें साल के बाद इस दुनिया में नहीं रही। बहुत ही दुखद खबर है हमारे
फ्रेटर्निटी के लिए, कलाकारों के लिए, डांसर्स के लिए, तमाम लोगों के लिए। सरोज खान जी का नाम लेते ही मुझे लगता है कि कोरियोग्राफी का, अगर मेरे भावनाओं से देखा जाए तो कोरियोग्राफी मतलब सरोज खान, ऐसा हम लोग मानकर हमेशा चलते रहेंगे। वाकई बहुत बड़ा एक सदमा है सबके लिए, लेकिन जैसे कि कहते ना कि बड़े फनकार, बड़े कलाकार शरीर से चले जाते हैं लेकिन उनका काम हमेशा हमें याद रहता है और इंस्पायर करता है। तो आपका काम हमेशा आने वाले कलाकारों के लिए, आने वाले कोरियोग्राफर के लिए, जो आम आदमी डांस करता है, आम आदमी के डांस में भी सरोज खान जी का की शैली दिखाई देगी, क्योंकि उन्होंने डांस को आम आदमी तक पहुंचाया था। आम आदमी भी अपने आप को डांसर समझता था या महसूस करता था, या डांस करके खुशी जो मिलती थी वो दरअसल सरोज जी की ही वजह से मिलती थी।